चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जेपी अग्रवाल ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान व्यापारियों से कहा कि कांग्रेस जीती तो जीएसटी का स्लैब केवल 5% हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा की सभी व्यापारिक नीतियों को विफल करार दे दिया। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से अब तक के सबसे सफल उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल एक बार फिर से हार के साथ मैदान में हैं। आखिरी दिन नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने अपना प्रचार शुरू कर दिया, लेकिन वो बड़ी सभाओं की बजाय पुराने अंदाज में छोटी छोटी सभाओं पर जोर दे रहे हैं। ऐसी ही एक सभा करने अशोक विहार पहुंचे। जेपी ने कांग्रेस की जीत पर जीएसटी को 5% के स्लैब में लाने की बात कही कि जीएसटी की मार ने व्यापारियों को तोड़ दिया, कई हजार रुपए का उनका खर्चे बढ़ गए और जेल जाने का डर। ये कभी नहीं होता। सरकार का मकसद होता है रेवेन्यू इकट्ठा करना भी, लेकिन राहत देना भी। तो जिस तरह अलग अलग स्लैब उन्होंने रखे, मेरी अगर प्राथमिकता रहेगी सबसे पहले पार्लियामेंट में शोर मचाने की, तो जीएसटी को 5% फ्लैट लेवल हर एक का हर रेट होना चाहिए, 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जेल का डर भी नहीं होना चाहिए। ये दो प्राथमिकता मेरी रहेंगी। लोकसभा की 4 संसदीय पारियों में से 3 बार चांदनी चौक से सफलता प्राप्त कर चुके जेपी एक बार फिर से यहां आकर उत्साहित हैं और अपने पुराने तरीके से ही प्रचार में जुट गए हैं। मेरा यही तरीका, मैं बहुत बड़ी बड़ी मीटिंगें कभी नहीं करता, मैं छोटे संपर्क बनाना ज्यादा अच्छा समझता हूं। और कल भी मेरा तकरीबन मैंने 30-40 जगह घरों में जाकर चाय पी है, लोगों से संपर्क किया, और ये मेरे को इसमें बहुत खुशी होती है। इसे जाति तौर पर आप किसी को देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। खुशबू अच्छी होनी चाहिए, आप हर जगह पहुंच जाएंगे। जेपी की इन छोटी और घरेलू सभाओं की खास बात ये है कि इनमें ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो राजनीतिक विचारधारा के मामले में उनके विरोधी हैं। हालांकि ये लोग उनके लिए वोट करेंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी।